हैं, ये हमारा आज का टॉपिक रहेगा और ऑपरेटर इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ना, जिसको अपन बहुत डीपली डिस्कस करने वाले हैं। मतलब एक दिन में कंप्लीट नहीं होगा ये, कम से कम 2 से 3 दिन तो कम से कम मिनिमम रहेंगे, क्योंकि अपन को जो लर्न करना है वो पूरा डीपली लर्न करना है ना, बिट बाइस पे भी काम करना है, तो बाइनरी वगैरह में काम कैसे होता है, उन सभी चीजों पे अपन को डिस्कशन करना है। सबसे पहले अपन बात करते हैं व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ऑपरेटर। ऑपरेटर क्या होते हैं? ड्राइव करने वाला ड्राइवर, ऑपरेट करने वाला ऑपरेटर, ऐसे ही नहीं। सुनो, यहां पर जो ऑपरेटर की बात करें तो ये ऑपरेटर मतलब एक सिंबल होता है। ये सिंबल किन्हीं ऑपरेशन को परफॉर्म करता है? क्या ये सिंबल किसी ऑपरेशन को परफॉर्म करता है? बोले सर ऑपरेशन को परफॉर्म तो फंक्शन भी करता है, मेथड भी करती है। तो भाई फंक्शन मेथड ऑपरेशन को परफॉर्म करती है, बिल्कुल करेक्ट है, लेकिन ये एक सिंबल है जो किसी वैल्यू पर या वेरिएबल पर ऑपरेशन को परफॉर्म करता है। वैल्यू या वेरिएबल पर ऑपरेशन को परफॉर्म करने वाला सिंबल ऑपरेटर कहलाता है, सरल शब्दों में। अब बोले सर कैसे सिंबल या फिर वेरिएबल और वैल्यू क्या हो सकती है? वेरिएबल वैल्यू को हम ऑपरेंड भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ऑपरेंड भी बोलते हैं। इट मींस दैट यदि मैंने यहां पर लिखा a प्लस बी, फॉर एग्जाम्पल मैंने क्या लिखा यहां पर, a प्लस बी यदि मैंने यहां पर लिखा a प्लस बी इज इक्वल टू या फिर c बराबर a प्लस बी, ऐसा मैंने लिख दिया, ओके okay? c बराबर a प्लस बी, तो यहां पर c क्या है? ऑपरेंड है। ए क्या है? ऑपरेंड है। बी क्या है? ऑपरेंड है। और इक्वल क्या है? ऑपरेटर है। प्लस क्या है? ऑपरेटर। अगेन मैंने लिखा यहां पर ए इज इक्वल टू 90, इंट लिख दो, इंट ए इज इक्वल टू 90, यहां पर ए क्या है? ऑपरेंड है। इक्वल क्या है? ऑपरेटर है। और 90 क्या है? बोलो, वैल्यू, मतलब ऑपरेंड आएगा। वैल्यू और वेरिएबल को हम यहाँ पे ऑपरेंड बोल सकते, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। और इस पर जो ऑपरेशन परफॉर्म कर रहा है, बोले सर इसमें क्या ऑपरेशन परफॉर्म हो रहा है? तो भैया 90 को ए पर असाइन करने का काम कौन कर रहा है? ये इक्वल सिंबल ही तो कर रहा है। ये इक्वल सिंबल एक ऑपरेटर है, ये प्लस एक ऑपरेटर है। तो ऑपरेटर्स को मेनली हम सबसे पहले 3 कैटेगरी में डिवाइड करते हैं, फिर उसके टाइप्स पे अपन डिस्कस करेंगे। बोले सर कैटेगरी और टाइप का मतलब क्या है? कैटेगरी मतलब ह्यूमन की कैटेगरी होती है 3, कौन कौन सी? मेल, फीमेल और ट्रांसजेंडर, ट्रांसजेंडर, तो 3 होती है। अब टाइप कौन कौन से होते हैं? बोले अच्छा होता है, बुरा होता है, छोटा होता है, नाटा होता है, मोटा होता है, पतला होता है ना। तो क्या है? गोरा होता है, कोई काला है, कोई टिकना है, कोई ऐसा है, कोई वैसा है, कोई बात करने ऐसा करता है, कोई ऐसा करता है। तो ये डिफरेंट डिफरेंट टाइप के लोग हैं। मान के चलो मैंने अब तक 1 लाख स्टूडेंट को पढ़ाया होगा, तो 1 लाख टाइप मिल सकते हैं, 2-4 कम कर लो। सबकी कैटेगरी अपनी अपनी, सबके टाइप अलग अलग हो। तो टाइप और कैटेगरी समझ में आई। तो जावा में 3 कैटेगरी में ऑपरेटर्स को डिवाइड किया गया। ऑपरेटर का डेफिनेशन समझ में आया? विच परफॉर्म ऑपरेशंस ऑन ऑपरेंड इज कॉल्ड ऑपरेटर्स, परफेक्ट। तो सबसे पहले मैंने यहां पर क्या किया, ऑपरेटर पे ही काम कर रहे थे, ऑपरेटर, ऑल ओके। सो विच परफॉर्म एनी स्पेसिफिक ऑपरेशन ऑन ऑपरेंड इज कॉल्ड ऑपरेटर, इट इज अ स्पेसिफिक सिंबल। 3 कैटेगरीज आर देयर, कौन कौन सी कैटेगरी? पहली कैटेगरी है जिसे हम कहते हैं यूनरी ऑपरेटर। क्या कहते हैं? यूनरी ऑपरेटर। दूसरा बोलते हैं बाइनरी ऑपरेटर, कौन सा? बाइनरी ऑपरेटर, ऑल ओके। तीसरा बोलते हैं टर्नरी ऑपरेटर। भैया इसकी आप देखना डिटेल, यूनरी ऑपरेटर क्या होते हैं? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ यूनरी ऑपरेटर? हाँ, यूनरी सिंगल ऑपरेंड, ठीक है, गुड। तो जहां पर एक ही ऑपरेंड होता है, सिंगल ऑपरेंड होता है,
उसे हम यूनरी ऑपरेटर कहते हैं, है ना। तो सिंगल ऑपरेंड, ऑपरेंड मतलब या तो वैल्यू या फिर वेरिएबल, पर ऑपरेशन जो परफॉर्म करता है उन ऑपरेटर्स को हम यूनरी ऑपरेटर कहते हैं। पहले समझ लो, मेरा क्वेश्चन है यदि मैं लिखा a इक्वल टू 90, ये यूनरी है कि नहीं है? बोलो मिस्टर स्वर्ण। अर्जुन है, बोलो प्राची, मुस्कान, श्रद्धा, रजत, दो है ना, दिस इज नॉट यूनरी ऑपरेटर। दो दिख रहा है आपको, देखो एक ये है और एक ये है, तो भैया ये कायम में आएगा, बाइनरी में आ जाएगा। तो यहाँ पर बाइनरी का मतलब होता है मिनिमम टू ऑपरेंड्स, मिनिमम टू ऑपरेंड्स। सर मतलब इससे ज्यादा भी हो सकते हैं? हाँ बिल्कुल हो सकते हैं, तीन हो सकते हैं, पांच हो सकते हैं, 25 हो सकते हैं, 125 हो सकते हैं, नो प्रॉब्लम एट ऑल। इस पे अपन अभी डिस्कस करेंगे, पहले इसको तो कंप्लीट करना है। तो जब सिंगल ऑपरेंड पे ही काम किया जाता है, ऐसे सिंगल ऑपरेंड पे काम करने वाले ऑपरेटर्स को हम यूनरी ऑपरेटर कहते हैं। जैसे कि ए प्लस प्लस, ये प्लस प्लस एक ऑपरेटर है, प्लस ऑपरेटर अलग है, प्लस प्लस ऑपरेटर अलग है, ये सिंगल ऑपरेटर है, ये दो ऑपरेटर नहीं बोलते इसको, सिंगल ही बोलते हैं। ए पर प्लस प्लस करो, अभी प्लस प्लस क्या है अपन आगे सीखेंगे, ठीक है। ए माइनस माइनस, ए माइनस माइनस, नॉट ए ऐसा, नॉट ए ऐसा, है ना। कोई भी वेरिएबल ले लिया है, वेरिएबल ले लिया या ऑपरेंड ले लिया है, ये इस टाइप के ऑपरेटर्स काय में आते हैं, यूनरी की कैटेगरी में आते हैं। यानी कि जो अभी अपन टाइप्स ऑफ ऑपरेटर पढ़ने वाले हैं उनमें कुछ यूनरी भी है, कुछ बाइनरी भी है, डिफरेंट डिफरेंट के कंटेंट्स, डिफरेंट डिफरेंट टाइप के अपन को ऑपरेटर्स मिलने वाले हैं। दूसरा मैंने क्या कहा, बाइनरी मतलब मिनिमम टू ऑपरेंड्स, इसका मतलब है मैंने लिखा ए प्लस बी, दो ऑपरेंड है कि नहीं है। मैंने लिखा ए इज इक्वल टू 90, दो ऑपरेंड है कि नहीं है। मैंने लिखा सी इक्वल टू ए प्लस बी, कितने हैं भैया, कितने ऑपरेंड है? तीन ऑपरेंड दिख रहे मुझे, एक दो और तीन ऑपरेंड दिख रहे हैं। मैं लिखा d इक्वल टू a डिवाइड बाय b मल्टीप्लाई c और प्लस a, और d में रख दिया, है ना। ये एग्जांपल दिया मैंने, तो इस तरीके से अपन कुछ भी, तो भैया बोर्डमॉस का फॉर्मूला चलता है यहाँ पे, जैसे आपने पढ़ा हो ब्रैकेट ऑफ डिवीजन सबट्रैक्शन, है ना, जो सॉरी ब्रैकेट ऑफ डिवीजन मल्टीप्लिकेशन एडिशन सबट्रैक्शन, है ना। यदि मान के चलो मैंने यहाँ पर पेरेंथेसिस लगा दी, तो भैया पहले ये चलेगा, ठीक है, तो पहले ये मल्टीप्लाई होगा, फिर इससे ये डिवाइड होगा, फिर लास्ट में आपका प्लस होके डी में स्टोर हो जाएगा, ठीक है। तो ये एग्जाम्पल दिए सर, कौन कौन से होते, प्लस होता है, माइनस होता है, मल्टीप्लाई होता है, डिवीजन होता है, लेस लेस देन होता है, ग्रेटर देन होता है, है ना, इक्वल होता है, डबल इक्वल होता है, ऐसे बहुत सारे ऑपरेटर्स अपन को यहाँ पर मिलने वाले हैं। किसमें? बाइनरी में। एग्जांपल दिया टर्नरी, तो भैया सेपरेटी होता है, टर्नरी ऑपरेटर को ही हम कंडीशनल ऑपरेटर भी कहते हैं। क्या कहते हैं? कंडीशनल ऑपरेटर भी कहते हैं। टर्नरी ऑपरेटर को हम कंडीशनल ऑपरेटर कहते हैं, जिसको लिखने का तरीका होता है क्वेश्चन मार्क और कॉलन। सिंपल, क्या होता है? क्वेश्चन मार्क और कॉलन। ये मैंने अभी आपको सिर्फ नाम बताए, अब अपन को इस पे ऑपरेशन परफॉर्म करना है। क्या ऑपरेशन परफॉर्म करना है? पहले टाइप समझ लें। तो टाइप्स ऑफ ऑपरेटर्स कौन कौन से हैं? व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑपरेटर इन जावा? टाइप्स ऑफ ऑपरेटर्स, चलो भाई, ओके ऑल ओके। सो पहला नंबर पहले देख लो भैया, बाद में लिखना, अरिथमेटिक ऑपरेटर। कौन सा ऑपरेटर? अरिथमेटिक ऑपरेटर। दूसरा होता है असाइनमेंट ऑपरेटर, लिखना नहीं, इसके बीच में ही मैं चेंजेस करूंगा, असाइनमेंट ऑपरेटर। थर्ड होता है कौन सा? यू नो, इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट ऑपरेटर, इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट ऑपरेटर, है ना, डिक्रीमेंट ऑपरेटर। स्पेलिंग मिस्टेक तो नहीं है, चलो कोई दिक्कत नहीं, थोड़ी बहुत होता है, इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट ऑपरेटर सही है, कोई दिक्कत नहीं, अभी तो बिट वाइज तो दूर है। अभी नंबर चार पर आए अपन, रिलेशनल ऑपरेटर। कौन सा ऑपरेटर? रिलेशनल ऑपरेटर। रिलेशनल ऑपरेटर के बाद है अगला, अभी रुक जाओ, स्पेशल रुक जाओ,
टाइप नहीं, टाइप में नहीं आता है स्पेशल, ठीक है। अरिथमेटिक, असाइनमेंट, इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट, रिलेशनल ऑपरेटर, लॉजिकल ऑपरेटर, कौन सा ऑपरेटर, लॉजिकल ऑपरेटर, फिर होता है बिटवाइज ऑपरेटर, बिटवाइज ऑपरेटर, और सातवां कैटेगरी अपन यहाँ पर देखेंगे वही टर्नरी ऑपरेटर। ये अपने आप में टाइप नहीं है, क्लियर है, ये जो है बस ये ऐसे ही है, ठीक है। अभी अपन इसमें आते हैं अरिथमेटिक ऑपरेटर में। अरिथमेटिक मतलब जो मैथमेटिकल ऑपरेशन को परफॉर्म करे, प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड है ना मॉड्यूलो, ये हमारे अरिथमेटिक ऑपरेटर होते हैं। असाइनमेंट ऑपरेटर प्लस सॉरी इक्वल में कैटेगरी होती है कंपाउंड असाइनमेंट, क्या कंपाउंड असाइनमेंट, इसी में एक कैटेगरी अपन ने बनाई, कौन सी कंपाउंड असाइनमेंट, मल्टीप्लाई इक्वल टू डिवाइड इक्वल टू, ऐसे बहुत सारे इसमें होते हैं, ठीक है, लेफ्ट लेफ्ट शिफ्ट इक्वल टू, ऐसे सब हो जाते हैं। तो इसे अपन ने सिर्फ अपने अर्थमेटिक वाले के साथ अपन ने ये लगा दिए, अभी करेंगे तो समझ में आएगा, अभी सिर्फ मैं नाम बता रहा हूँ। नेक्स्ट है इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट ऑपरेटर्स। इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट ये दो टाइप के होते हैं, प्री और पोस्ट, है कौन कौन से, प्री एंड पोस्ट। तो प्री और पोस्ट जो होते हैं ये या तो प्री इंक्रीमेंट होंगे, प्री इंक्रीमेंट यही लिख दे रहा हूं, प्री इंक्रीमेंट ऑपरेटर और प्री डिक्रीमेंट ऑपरेटर, इन दोनों में से कोई एक होगा, ठीक है। और यहां पर सेम पोस्ट इंक्रीमेंट और पोस्ट डिक्रीमेंट, ओके, यह जाएगा अपना पोस्ट इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट ऑपरेटर, ठीक है। अब यदि अपन बात करें प्री और पोस्ट, प्री इंक्रीमेंट और पोस्ट प्री डिक्रीमेंट, प्री पोस्ट इंक्रीमेंट और पोस्ट डिक्रीमेंट, प्री इंक्रीमेंट में प्लस प्लस और ऑपरेंड का नाम, माइनस माइनस और ऑपरेंड का नाम लिखा जाता है, वहीं पर पोस्ट के केस में प्लस प्लस को बाद में यानी कि ऑपरेंड के बाद, लाइक ए माइनस माइनस, समझ में आया कि नहीं आया। तो प्री और पोस्ट दोनों अपन ने लिखे। रिलेशनल ऑपरेटर पे अपन आए, रिलेशनल ऑपरेटर में लेस देन इसे बोलते हैं, लेस देन, ग्रेटर देन, ग्रेटर देन, ग्रेटर देन, ओके, लेस देन और इक्वल टू, इसको क्या बोलते हैं, लेस देन और इक्वल टू, ऐसा लेस देन और इक्वल टू, या तो लेस देन हो या इक्वल टू, क्या है इसका, इस पे भी डिस्कस करेंगे। फिर एक ग्रेटर देन और इक्वल टू, ग्रेटर देन और इक्वल टू, परफेक्ट, एक होता है इज इक्वल टू, इज होता है नॉट इक्वल टू, क्लियर है कि नहीं, नॉट इक्वल टू, ये हमारे रिलेशनल ऑपरेटर जो कि आंसर में ट्रू या फॉल्स रिटर्न करते हैं, क्या आंसर देते हैं, ट्रू या फिर फॉल्स रिटर्न करते हैं, यानी कि एक कंडीशन को चेक करते हैं, कंपैरिजन करते हैं। मैंने कहा कि आप क्या आप अपने भाई से बड़े हो, या तो हाँ या फिर ना, ट्रू या फॉल्स, ठीक है। अगेन मैंने अगेन दूसरा स्टेटमेंट दे दिया कि आपकी एज आपकी पत्नी की एज से ज्यादा है, ट्रू होगा या फिर फॉल्स होगा, मैक्सिमम केस में ट्रू होगा और बॉलीवुड के केस में फॉल्स हो सकता है, ठीक है। तो अभी अपन आगे आए लॉजिकल ऑपरेटर। लॉजिकल ऑपरेटर मतलब जो लॉजिक पे काम करे, लॉजिक मतलब जैसे कि अपन कोई लॉग इन वगैरह करते हैं, अपन ने लॉग इन किया, यूजर नेम पुट करो और पासवर्ड पुट करो, अब यूजर नेम एंड पासवर्ड जब दोनों ओके होंगे तो लॉगिन सक्सेसफुल होगा, एक भी गलत होगा तो नहीं चलेगा, फॉल्स होगा, लॉगिन फेल्ड होगा, ऐसे होता है ना भाई। आप जैसे फेसबुक में लॉगिन यूजर नेम और पासवर्ड डालते हो तो यूजर नेम एंड पासवर्ड दोनों सही होंगे तो लॉगिन सक्सेसफुल होगा, नहीं तो नहीं होगा, ये कहलाता है लॉजिकल और लॉजिकल एंड। लॉजिकल एंड कैसे लिखा जाता है, ऐसे, इसको बोलते हैं लॉजिकल एंड ऑपरेटर। लॉजिकल और होता है लॉजिकल और ऑपरेटर, लॉजिकल और क्या होता है,
इंस्टाग्राम पे क्या करते हैं अपन, या तो यूजर नेम डाल दो, या फिर ईमेल आईडी डाल दो, या फिर मोबाइल नंबर डाल दो, एक कुछ भी ओके हो, तो फिर अपन आगे की बातचीत करेंगे। इनमें से कोई भी एक ट्रू हो, या तो भैया आप अपना मोबाइल नंबर दे दो, या फिर ईमेल आईडी दे दो, या फिर अपने असिस्टेंट का नंबर दे दो, या फिर कोई भी एक कंडीशन ट्रू होना चाहिए, है ना। सो लॉजिकल और, ओके, एक होता है नॉट, तो लॉजिकल नॉट इसको बोलते हैं जो उल्टा करता है, ट्रू का फॉल्स, फॉल्स का ट्रू, है ना। ये भी बेसिकली ट्रू या फॉल्स रिटर्न करेंगे, लेकिन इसकी पहले अपन ट्रुथ टेबल देख लेते हैं, ठीक है। ट्रुथ टेबल रुक जाओ, अभी बाद में देखते हैं, पहले मैंने सिर्फ नाम लिखवाया। बिटवाइज ऑपरेटर में आते हैं, तो बिटवाइज यहां पर भी कुछ एंड होता है, बिटवाइज एंड, बिटवाइज एंड, ठीक है। दूसरा होता है कांगे भाई, सॉरी, फिर बिटवाइज और, बिटवाइज और, बिटवाइज और, ओके परफेक्ट, फिर बिटवाइज और, बिटवाइज एंड, बिटवाइज और बिटवाइज बिटवाइज, अरे भाई, बिटवाइज एक्सोर, और को बोलते हैं इंक्लूसिव और भी बोलते हैं भाई, क्या बोलते हैं, बहुत सारी चीजें नहीं सुनी होंगी, इंक्लूसिव और भी बोलते हैं, और एक्स को बोलते हैं एक्सक्लूसिव और, ठीक है, एक्सोर। और नेक्स्ट होता है बिटवाइज नॉट होता है, क्या होता है, बिटवाइज नॉट, बिटवाइज नॉट, बिटवाइज लेफ्ट शिफ्ट, बिटवाइज लेफ्ट शिफ्ट होता है, बिटवाइज राइट शिफ्ट, बिटवाइज राइट शिफ्ट, ऑल ओके, बिटवाइज अनसाइंड राइट शिफ्ट, बिटवाइज अनसाइंड, अनसाइंड राइट शिफ्ट, ऑल ओके, अनसाइंड राइट शिफ्ट, या इसी को बोलते हैं राइट शिफ्ट विद जीरो भी बोलते हैं, ये बिटवाइज ऑपरेटर्स होते हैं, बिट पर ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं, पढ़ेंगे अपन। फिर होता है टर्नरी, क्वेश्चन मार्क और कॉलम, इसी को हम क्या बोलते हैं, कंडीशनल ऑपरेटर भी बोलते हैं। समझ में आया कि नहीं, इसको क्लिक करने का कष्ट करें स्टार्टिंग से, फिर अपन एक एक करके इस पर डिस्कशन करेंगे। अब इसमें सभी कैटेगरीज हैं, जितने भी अपन ने टाइप्स देखे, इनमें बाइनरी और यूनरी दोनों टाइप की कैटेगरीज विजिबल होने वाली हैं, ठीक है। ये पुराना लैपटॉप है तो इसमें कैमरा भी अच्छा नहीं आ रहा है, अपन करेंगे डिस्कस, कोई बात नहीं, ठीक है, स्क्रॉल डाउन, ठीक है, ओके। देखो पढ़ने को बहुत है, बस पढ़ने वाला और पढ़ाने वाला दोनों तरफ से ओके होना चाहिए, है ना। चले नेक्स्ट पर आए अपन, बहुत सारी चीजें पता ही नहीं होती कि ऐसा भी हो सकता है क्या। अभी इसमें अभी आपको बहुत सारी चीजें निकल के आई होंगी, ऑपरेटर तो बोले सब पढ़ते हैं, लेफ्ट शिफ्ट राइट शिफ्ट सी में था, फ्री अनसाइंड राइट शिफ्ट नहीं थी। अभी अपन बहुत सारी चीजें, मैं बोल रहा हूँ ना, अभी आएंगी ना चीजें, अभी इंटरनल आर्किटेक्चर पे आएंगे तब और मजा आएगा बिट वाइज में, ठीक है। आप पूरा सॉल्व करेंगे अपन, अच्छा ये से इससे ये आ रहा है, इससे ये आ रहा है, इससे यार, ऑल ओके परफेक्ट, यहाँ तक क्लियर है सभी को, ठीक है। अभी अपन बात कर रहे हैं सबसे पहले कहाँ पर, अरिथमेटिक ऑपरेटर पर, यहीं पे सॉल्व कर दूं फटाफट, बोलो, या फिर प्रोग्राम ही बनाओ, कोई दिक्कत नहीं, प्रोग्राम बना लेते हैं, तुम प्रैक्टिकल नहीं करते मुझे लगता है, ये से बोल रहा हूँ, मेरी बॉटल कहाँ गई यार, पानी की ले गया था। नाम क्या था, नाइट बैच डी ड्राइव, ऑल ओके, एक्लिप्स को ओपन कर रहे हैं, हाँ दो तीन ऑपरेटर तो हो जाएंगे ऑलमोस्ट, मजा आ रहा है पढ़ने में, नहीं आ रहा है, नहीं न्यूट्रल फील आ रहा सर, आंसर तो दो, मैं सुबह से बोलता हूँ और रात तक ये 9 सवालों तक तो बोलते ही बोलता हूँ, कम से कम एटलीस्ट, और आप लोग यहीं के नहीं बोल पा रहे भाई। चलो भाई, यहीं पे अपन ने क्या किया, क्लास बनाई, क्लास का नाम दिया टेस्ट ऑपरेटर्स, सबसे बढ़िया। चले अपन यहाँ पर आते हैं, मेन मेथड मैंने बनाई शॉर्टकट में, मेन मेथड बनाने के बाद
पहला काम क्या करना है, मैंने वेरिएबल्स लिए इंट ए बी और तीन वेरिएबल, ए की वैल्यू रखी मैंने 90, बी की वैल्यू रख दी है मैंने 118 और इसकी 21 रख देता हूँ, है ना। 21/10 हमारा ऑफिस एड्रेस दूसरा है और 118 हमारा ये वाले ऑफिस का एड्रेस हो गया। तो ए और बी इज इक्वल टू, और इन दोनों को अपन ने जोड़ के बना दिया, ठीक है। तो अब ये प्लस ऑपरेटर सिंबल सिंपल, अपन ने सी को प्रिंट किया, एडिशन रिजल्ट आपको मिल जाएगा। किसी को कन्फ्यूजन तो है नहीं, चुल्लू भर पानी की जरूरत तो किसी को नहीं होना चाहिए। प्लस ऑल ओके, रन किया, आंसर विल बी 139। ऑल ओके, नेक्स्ट पर आया मैं, सी बराबर सी इज इक्वल टू, थोड़ा सा अपन आगे पीछे कर देते हैं 118, या फिर अपन ने कर दिया यहाँ पे 123 और यहाँ पे कर दिया मैंने 10, ज़्यादा बेटर है, सबको अच्छे से एक ही बार में बन जाएगा। सी इज इक्वल टू ए माइनस बी, ठीक है। और अपन ने क्या किया यहाँ पर, सब्ट्रैक्शन रिजल्ट, सब्ट्रैक्शन रिजल्ट। ऑल ओके, बहुत अच्छे से आता है ना ये, तो लो भैया सब्ट्रैक्शन का रिजल्ट भी आ गया, है ना। अब आगे बढ़ा मैं, सी बराबर ए मल्टीप्लाई बी, क्या आंसर आएगा, 130, है ना। तो मल्टीप्लीकेशन किया आ गया, फिर अपन ने सी इज इक्वल टू ए डिवाइड बाय बी, आंसर क्या आएगा बताओ भाई। हाँ सिखाया था मैंने, ओनली 12 इंट डिवाइड बाय इंट इज इक्वल टू इंट, याद आया पूरा ना, ठीक है। नहीं तो बोले आगे पार्ट पीछे से पार्ट, है ना, ठीक है। तो अभी 12 अपना आंसर आ गया, ठीक, यहाँ तक क्लियर है। अगले पर आया ए मॉड्यूलो बी, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मॉड्यूलो। तो ये वाला मैंने प्रीवियस लेक्चर्स में बहुत अच्छे से आपको सिखाया था, लेकिन मॉड्यूलो पे अपन ने डिस्कस नहीं किया था। इसको हम मॉड्यूलो ऑपरेटर बोलते हैं, ये मेनली रिमाइंडर प्रोवाइड करता है, रिमाइंडर मतलब हिंदी में बोले तो शेषफल, ठीक है। तो मैंने कर दिया रिमाइंडर रिजल्ट, ज्यादा बेटर है ना, रिमाइंडर या मॉड्यूलो भी इसको बोल देते हैं अपन, मॉड्यूलो यहाँ पर, है ना। तो मॉड्यूलो रिजल्ट बोल दिया, और सी क्या आंसर आ जाएगा, 3 ओनली, है ना, ये 3 आपको यहाँ पे मिला। ये हमारे अरिथमेटिक ऑपरेटर जो है कंप्लीट हुए, कोई कंफ्यूजन तो नहीं। टाइप नंबर 1, कैटेगरी की बात नहीं कर रहा हूँ, टाइप की बात कर रहा हूँ, कंप्लीट हुए। फटाफट इसको लिखो, थोड़ा सा मैं इसको, सॉरी फॉर दैट, इसको मैं की उसमें आ जाएगा आपका, विजिबल है, चले भी बड़ी है, अच्छे से विजिबल होगा। ऑल ओके, ऑपरेटर का नाम दूसरा वाले का, दो दो क्यों खुले, अच्छा ये डांस स्टूडियो का प्रोजेक्ट बना रहा है इसको, चलो ठीक है। दूसरा है असाइनमेंट ऑपरेटर, और इसमें कंपाउंड असाइनमेंट भी अपन ने देखे, ठीक है। तो आते हैं अपन, हटा दूं, सबसे पहला तो ये आपको दिख रहा है नॉर्मल हमारा असाइनमेंट हो रहा है, इनको मैं हटा दे रहा हूँ, यहाँ से यहाँ तक लिख लिया क्या है, ठीक है, हटा दिया मैंने। अभी ये इस पे आ जाता हूँ मैं, बस ए की वैल्यू बस प्रिंट कर रहा हूँ, और ये इनको भी हटा दो, नॉट रिक्वायर्ड, ठीक। ए की वेरिएबल लिया, 10 ले लिया, आंसर क्या आएगा, है ना, 10 को ए में असाइन करना है। कभी भी जब असाइनमेंट ऑपरेटर परफॉर्म ऑपरेशन परफॉर्म किया जाता है असाइनमेंट ऑपरेटर से, तो राइट टू लेफ्ट वर्क करता है, मतलब पहले राइट वाला पूरा सॉल्व हो जाएगा, उसके बाद ही वो लेफ्ट में असाइन होगा। आप कितना भी यहाँ पे बड़ा स्टेटमेंट क्यों ना लिख दो, कंप्लीट होने के बाद इस पे स्टोर होगा, अंडरस्टूड नॉट। आपने लिखा ए इक्वल टू बी प्लस 20 माइनस 30 प्लस डी मल्टीप्लाई बाई ई, कुछ भी मतलब, तो पहले इस साइड का कंप्लीट हो जाएगा और लास्ट में जो आंसर आएगा वो ए में स्टोर होगा। ऐसे ही अपन करते थे बचपन में, ध्यान हो तो, यहाँ तक क्लियर है। दूसरा मैं आपको बता रहा हूँ कंपाउंड असाइनमेंट, थोड़ा सा डिफरेंट है। पहले कंपाउंड के पहले थोड़ा सा बेसिक समझ लेते हैं। मैं लिखा ए बराबर ए प्लस 50 मान के चलो, तो ए की वैल्यू अब क्या हो जाएगी, 25। ए की वैल्यू क्या थी, 10 थी, 10 प्लस 15 25 आंसर को कायम स्टोर करो, तो अभी आंसर क्या आ जाएगा, 25 आ जाएगा, मैं आ गया। अब इतना आने के बाद मैंने क्या किया, ए इस लाइन को हम शॉर्टकट में ए प्लस इक्वल टू 15 लिख सकते हैं, समझ में आया कि नहीं आया। इस लाइन को हम क्या लिख सकते हैं,
a प्लस इक्वल टू 15, तो इसके करस्पॉन्डिंग हमें a की वैल्यू मिल जाएगी 25 एज इट इज। फिर मैं लिखा a प्लस इक्वल टू 25, अभी अपन a की वैल्यू प्रिंट कराएंगे तो क्या आएगी बताओ भाई, 15 आएगा। अरे बताओ भाई क्या आंसर आएगा, जब यहीं पे 25 हो गया तो 25 और 25 कितना हुआ 50 हो गया ना, तो 50 है यहाँ पे आंसर आ गया। लो फिर अगेन अपन ने क्या कि इसी को कंटिन्यू कर रहे हैं, a माइनस इक्वल टू 8, व्हाट विल बी द आउटपुट, 42 आ जाएगा, 42 आ गया। 42 आने के बाद a मल्टीप्लाई इक्वल टू 2, क्या आंसर आ जाएगा, आंसर विल बी 84, आंसर आ गया 84। ठीक है, यानी कि a का a में मल्टीप्लाई करो 2 से जो आंसर आ जाए, a का मल्टीप्लाई करो 2 से और जो आंसर आए a में रख दो, है ना। फिर मैंने किया a डिवाइड बाय डिवाइड इक्वल टू 3। अच्छा एक और चीज याद रखना, यहाँ पर या स्पेस दे सकते हो, यहाँ पर इन दोनों के बीच में स्पेस नहीं दे सकते, एरर दे देगा, है ना। तो ये एक ऑपरेटर है, इनके बीच में कोई स्पेस नहीं होना चाहिए। आप यहाँ पर कितना चाहिए कोई दिक्कत नहीं, कितना स्पेस देना कोई दिक्कत नहीं, चलेगा, है ना, क्लियर है कि नहीं। इस तरीके से काम होता है। अभी अपन ने ये किया, क्या आंसर आया था, 84 डिवाइड बाय 3, बोलो भैया, हाँ जो भी है 28 आ जाएगा। करो डिवाइड 84 में 3 से भाग दो, ठीक है, इतना क्लियर है। a मॉड्यूलो इक्वल टू, तो क्या आंसर आएगा, 8 आ जाएगा, 8 आ गया। अंडरस्टूड नॉट, बनेगा कि नहीं बनेगा, इसको भी भैया क्लिक करने का कष्ट करें। बहुत सारे नॉन टेक्निकल बैकग्राउंड से स्टूडेंट्स आते हैं, बहुत सारे आते हैं, अभी हैं बहुत सारे, लगभग 100-150 होंगे अभी नॉन टेक वाले भी, और अपने यहाँ लगभग स्ट्रेंथ होगी 500-600 स्टूडेंट तो ऑलमोस्ट होंगे। सर मुझे तो टेक्निकल में आना ही है, मैं इनिशियल लेवल पे जब यदि मैं स्टार्टिंग में वहाँ पे रहूँ मिलता हूँ, तो मैं सबसे पहले यही बोलता हूँ कि यदि आपको इंटरेस्ट है तो आप आईटी में आइए, अदरवाइज बिल्कुल मत आइए। मेरी टीम बोलती है सर आप अपना लॉस क्यों कर रहे हो, नुकसान है ना मेरा, तो ठीक है, लेकिन मैं बोलता हूँ कि भाई यदि इंटरेस्ट नहीं है तो तुम कितना भी कुछ भी कर लो ना, अपनी यहाँ से कटने वाली है, क्योंकि उसकी जॉब तो लगेगी ही नहीं। इंटरेस्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट, यदि आपका इंटरेस्ट नहीं होगा ना तो मजा नहीं आएगा। हम तो अपना 100% देते ही, ठीक है ना। तो ये है टीचर बाय हार्ट एंड एंटरप्रेनर बाय डेस्टिनी, ठीक है ना, ऐसा पार्ट है हमारा। यहां तक बाल क्लियर है, ठीक है, बढ़ता हूँ आगे। तो ये हमारा असाइनमेंट ऑपरेटर हुआ। अगला है हमारा, इट्स शानदार वाला ऑपरेटर, इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट। अब आने वाला मजा, ठीक है, तो मजो आएगा। तो ये इक्वल टू या फिर i इक्वल टू मैंने फिलहाल के लिए 0 रखा, ध्यान से देख के मजेदार तरीके से अपन काम करने वाले। पहले अपन समझ लें, देखो यदि आप a प्लस प्लस लिखते हो या जो भी ऑपरेंट है, ऑपरेटर है आपका, ऑपरेंट है, मैं इसको कमेंट कर देता हूँ यहाँ पे, यदि आप i प्लस प्लस लिखते हो या प्लस प्लस i लिखते हो, दोनों ही केस में प्लस 1 से इसकी वैल्यू इंक्रीज हो जाती है। कब होती है ये इंपॉर्टेंट पार्ट है, दोनों इसमें भी i की वैल्यू तो बढ़ेगी ही बढ़ेगी, इसमें भी i की वैल्यू तो बढ़ेगी ही बढ़ेगी, एक पोजिशन से, एक से, 1 से इंक्रीज हो जाएगा। माइनस माइनस i या i माइनस माइनस, दोनों केस में 1 से वैल्यू डिक्रीज होगी, 100% कंफर्म है। यहां तक बात क्लियर है कि नहीं, दोनों केस में क्या होगा, प्लस 1 या माइनस 1 तो होगा ही, लेकिन कब, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, इसको बोलते हैं पोस्ट, ठीक है, इसको बोलते हैं पोस्ट इंक्रीमेंट। क्या बोलते हैं, पोस्ट का मतलब है बाद में, पोस्ट का मतलब क्या है, बाद में, बाद में। तो आई की वैल्यू पर काम करो पहले नंबर, उसके बाद
वैल्यू को एक से इंक्रीज करो, जैसे कि पहले काम कर लो, उसके बाद आपको बिल मिलेगा। आप पहले लाइट जला लो, उसके बाद आपको बिल मिलेगा। आप पहले मोबाइल यूज कर लो, उसके बाद वो पोस्ट पेड का बिल आएगा। पोस्ट पेड में क्या करते हैं अपन, बाद में इंक्रीज होता है, होता जरूर है, बाद में इंक्रीज होगा, बाद में वैल्यू बढ़ के आएगी। और यहीं पर यदि प्री की बात करें, प्री इंक्रीमेंट में, तो भैया प्रीपेड का एग्जांपल ले लो, पहले पैसे पे कर दो, उसके बाद हम तुम्हारे मोबाइल का बैलेंस बढ़ाएंगे। अभी तो लाइट का भी हो गया, गैस कनेक्शन का भी, गैस में भी आ गया, सभी में पार्ट आ चुका है ना। जितना बिल लोगे उतना लाइट जलेगा, जितना रिचार्ज कराओगे उतना बिल लाइट आएगा, जितना है ना टंकी भराओगे, ऐसे ही तो है प्रीपेड। तो पहले वैल्यू को इंक्रीज करो, आई को पहले इंक्रीज कर दो पहली फुर्सत में, उसके बाद बाकी का तुम आंसू आजू आज पड़ोस वाला काम करते रहो। अंडरस्टूड नॉट? तो इसमें वैल्यू बाद में, पहले काम होता है, बाद में उसकी वैल्यू इंक्रीज होती है, बाद में, ठीक है। यहां पर पहले वैल्यू इंक्रीज हो जाएगी, उसके बाद बोले सर ये तो सबको आता है, अभी प्रैक्टिकली देखो हम डिस्कस करते हैं अपन, अभी कितनी चीजें निकल के आ रही हैं। यहाँ पर है पोस्ट डिक्रीमेंट, सेम पार्ट होगा, क्या होगा, पोस्ट सॉरी प्री पहले आई की वैल्यू पर काम करो, उसके बाद काम होने के बाद वैल्यू को डिक्रीज करो। पहले आई की वैल्यू इंक्रीज कर दो, फिर आजू बाजू का काम करते रहो। कितनी बात क्लियर है कि नहीं, चलिए देखते हैं, ध्यान से सुनना, आंसर सोच समझ के देना। मैंने आई की वैल्यू प्रिंट कराई है, फिर मैंने आई प्लस प्लस किया है, वैल्यू प्रिंट कराई है, फिर मैंने आई की वैल्यू फिर से प्रिंट कराई है। तीन लाइन का कोड मैंने यहाँ पर लिखा है, प्लीज मुझे बताएं कि व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ दिस लाइन। आई की वैल्यू कितनी है, तो क्या प्रिंट होगा, मैंने तो कुछ करा ही नहीं, आई को प्रिंट करा दिया उठा के, तो भैया जीरो का जीरो ही प्रिंट होगा, ठीक है। फिर आगे बढ़ा, इसकी वैल्यू क्या आएगी, आंसर क्या आएगा बताओ, बनाएगा आंसर अगेन जीरो आएगा, क्यों आएगा उस पर डिस्कस करते हैं। फिर यहाँ पर आएगा वन, कैसे आता है, तो आई की वैल्यू यहाँ पर जीरो, ये अपन ने एज इट इज प्रिंट कराई थी, इसलिए जीरो ही आएगा भैया। लेकिन पोस्ट इंक्रीमेंट में क्या कहा कि पहले नंबर आई की वैल्यू जो कुछ भी है उस पर काम करो, तो आई की वैल्यू क्या है, जीरो है, तो उसने उठा के सीधा का सीधा प्रिंट कर दिया। लेकिन बाद में तो हम तुमसे पैसे लेंगे ही लेंगे, यानी कि आई की वैल्यू बाद में तो इंक्रीज होगी होगी, तो आई प्लस प्लस होगा, तो जीरो प्रिंट होने के बाद आई की वैल्यू क्या हो जाएगी, उसी लाइन में हो चुकी है कंप्लीट होने के बाद वन होगी, तो जब मैं आई को प्रिंट करूंगा तो क्या मिलेगा मुझे, समझ में आया। अगला स्टेप, आई की वैल्यू जीरो रख दी, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलाइन किया मैंने, और सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलाइन में पहले मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पर मैंने एक डिजाइन बना दी इंदौरी वाली, इसको मैंने रन किया, जीरो जीरो वन यहाँ पर आउटपुट आया। अगले पर मैं आया, सबसे पहला पार्ट क्या रहेगा अपना, बोलिए प्लीज, पार्ट नंबर वन इज वॉट, आई प्लस 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 आई प्लस 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 आई प्लस 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 आई प्लस 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 आई प्लस प्लस, अंडरस्टूड नॉट, यानी कि मैंने एक दो तीन चार पांच एक आध और ले लो प्लस आई प्लस प्लस आई प्लस 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 आई प्लस 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 आई प्लस 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 आई प्लस प्लस, ऐसा सिक्स टाइम किया है, आउटपुट किसका क्या आएगा और लास्ट में आई का क्या आएगा बताएं फटाफट क्विकली। यहाँ पे इस लाइन का क्या आएगा, इसका क्या आएगा, चलो देखो ध्यान से, सबसे पहले आई की वैल्यू क्या जीरो लिख दी मैंने, आगे बढ़ गया सीधा और प्लस लगा दिया, क्या लगा दिया, अब भैया ये तो बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा, ये बढ़ा तो इस वाले आई की वैल्यू यहाँ पर क्या मिली, इसको मिल गई वन, फिर आगे बढ़े अपन प्लस एज इट इज, ये उठा के अपन ने लिख दिया ओके। अब ये प्लस प्लस होगा तो यहाँ पर क्या आएगा,
टू आ जाएगा, ओके। फिर अपन फिर आ गया है, तो ये प्लस प्लस हुआ तो यहाँ पर क्या आएगा, थ्री आएगा। फिर यहाँ पर प्लस हुआ, इसकी वैल्यू फोर आएगी, फिर यहाँ पे फाइव आएगी। अब इन सब का प्लस हो जाएगा भाई, जीरो प्लस वन प्लस टू प्लस थ्री प्लस फोर और प्लस फाइव, टोटल हो जाएगा इसका कितना, पंद्रह हो जाएगा, सॉरी फॉर दैट, पंद्रह ही आएगा, पंद्रह आएगा। फिर लेकिन ये प्लस प्लस बचा था, अब आई की वैल्यू कितनी होगी, छह, पांच थी ना, सोलह कहां से हो जाएगा, आई की वैल्यू तो पांच है, तो पांच से कितनी हो जाएगी, छह हो जाएगी। इन सब का टोटल पंद्रह है, आई का थोड़े ना पंद्रह है, तो आई की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो यहां पर मिलेगा छह और यहां पर मिलेगा पंद्रह। समझ में आया कि नहीं आया, क्लियर है, तो सिक्स ये बाद में हो जाएगा, ये वाले आई प्लस प्लस होके यहाँ पर हो जाएगा। अंडरस्टूड और नॉट, परफेक्ट, ठीक है। रन किया, आंसर आप देख सकते हो 15 और 6 यहाँ पर आ गया, ऑल ओके। आगे बढ़ते हैं, अभी अपन वापस से ये अपन ने फिर से किया, आई की वैल्यू वापस जीरो रख दी आपके समझने के लिए। फिर से आया मैं, और आ प्लस प्लस आई प्लस 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 कितना, एक दो तीन चार पाँच, चलो छह ही कर देते हैं, प्लस प्लस आई, और व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ आई, पहली पुरुषक में ही वो जुड़ जाएगा ना। यहाँ पर देख लो भाई, सबसे पहला क्या हुआ, प्लस प्लस आई मतलब पहली पुरुषक में वन, सोचने विचारने का काम नहीं, प्लस 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 आई टू प्लस, फिर से प्लस प्लस आई है तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, थ्री हो जाएगा, ओके। इसके इसके जस्ट ऊपर ही लिख रहा हूं मैं, प्लस प्लस आई फोर प्लस 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 आई फाइव प्लस 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 आई सिक्स, ओके ना, परफेक्ट। अब इन सब का टोटल कर दो तो आंसर आ जाएगा 21, ओके ना। बताओ भैया अब इसका क्या आंसर आएगा, व्हाट विल बी द आउटपुट, आंसर आई की वैल्यू कितनी थी लास्ट में, तो छह ही रहेगी ना, 21 कहां से आ जाएगा, तो इसकी वैल्यू 6 थी, क्लियर है। रन किया 21 और 6, बढ़ते चलो, आगे बढ़ा मैं, फिर आया, ध्यान से देखना, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलाइन, हेलो प्लस, और मैंने क्या करा, उठा के इसको पूरा का पूरा कॉपी कर दिया, उसके ध्यान से ही आंसर देना है, जल्दबाजी का काम शैतान का, आंसर आएगा हेलो 6 7 हेलो 6 7 8 9 10 6 7 8 9 10 क्या आएगा, टेल मी, स्ट्रिंग के साथ कुछ भी कॉन्केटेनेट करो, स्ट्रिंग के साथ कुछ भी कॉन्केटेनेट करो, कॉन्केटेनेट होता है, सम नहीं होता है, सो आंसर क्या आएगा यहाँ पर, बोलो हेलो हेलो, एसी बंद कर दो यहाँ की भी, प्लस आई की वैल्यू कितनी थी, छह थी, तो यहाँ पे सावन सात थोड़ी होगा, छह होगा ना, फिर सेवन, फिर एट, फिर नाइन, फिर टेन, टेन है ना, सिक्स सेवन एट नाइन टेन और इलेवन, ये हो जाएगा इलेवन, क्लियर है, ओके। और यहां पर वैल्यू कितनी हो जाएगी, बोलो आप बताओ, इलेवन हो जाएगी ना, यहाँ पे आई की वैल्यू कितनी हो गई, यहाँ पे ट्वेल्व, यहाँ पे कितनी हो जाएगी, ट्वेल्व, आई यहाँ पर इलेवन हुआ, ये प्लस प्लस होगा तो कितना हो जाएगा, 12। रन किया, देख लो भैया, हेलो 6 7 8 9 10 11 और यहाँ पर 12 हो गया, यहाँ तक क्लियर है। आगे बढ़ा मैं, यहाँ पर आ गया, फिर से मैंने क्या किया, i प्लस 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 i प्लस i प्लस 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 i प्लस प्लस i प्लस i माइनस माइनस प्लस i प्लस 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 i, चलो छोटा ही दिया है मैंने, और आई की वैल्यू, इसका क्या आंसर आएगा, आई की वैल्यू कितनी थी,
तो 12 लिख दिया मैंने, फिर प्लस हुआ यहाँ पर कितना हो जाएगा 14 हो जाएगा, क्योंकि i प्लस प्लस ये हुआ तो यहाँ पर हो गया कितना 13 और फिर से प्लस प्लस i यानी कि 14, क्लियर है। फिर आ गया प्लस, कितना हुआ 14, फिर आ गया प्लस, हाँ जी प्लस 2 होगा ना सीधा 16 है, क्योंकि यहाँ पे पोस्ट है और यहाँ पे फ्री है, फिर अगेन 16, फिर यहाँ पे प्लस हो गया 15, ठीक है ना, ये 15 हो गया, फिर प्लस, ये इन सबको टोटल कर दो और इसकी आंसर, इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी बोलो, 16 आ जाएगी, रन किया 103 और 16, क्लियर है, बन जाएंगे इस तरीके के, फटाफट इसको क्लिक कर लो और इसी टाइप के और भी पैटर्न्स आपको करना है। वहां पे विजिबल हो रहा होगा अच्छे से बड़े टीवी पर, क्लियर है, कोई कंफ्यूजन, डाउट, क्वेरी, परेशानी, हैरानी, तकलीफ, प्रैक्टिकल इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। सो ये आपको करना है, इसको सो कोई कंफ्यूजन तो नहीं किसी भी प्रकार का, ओके ऑल ओके, प्रैक्टिकल इज वेरी इंपॉर्टेंट, शीट्स वगैरह आपको लेना, अभी स्टार्ट करना है कुछ दिन में तो आपको शीट्स मिलेंगी, उन शीट्स को प्रैक्टिकली करना है, ठीक है। हर एक शीट में एक टॉपिक के मल्टीपल क्वेश्चन होंगे, 20 होंगे, 25 होंगे, एक एक टॉपिक के, जैसे इफ है उसके बहुत सारे क्वेश्चन, स्विच है उसके बहुत सारे क्वेश्चन, इफ एल्स है उसके बहुत सारे क्वेश्चन, एक लूप है उसके बहुत सारे क्वेश्चन, 100-100 क्वेश्चन भी आपको करना है जिसमें हमारा प्रैक्टिकल ओके होगा। अभी आगे आएंगे शीट्स वाला काम, ये अपन पहले ऑपरेटर खत्म कर लेते हैं, ऑपरेटर कंप्लीट होने के बाद, पूरे ऑपरेटर जब कंप्लीट हो जाएंगे उसके बाद हमारा पार्ट आएगा कंडीशनल स्टेटमेंट, है ना, तो पूरे कंडीशनल पढ़ेंगे, फिर इसके बाद अपने लूपिंग वाले पार्ट होंगे, लॉजिक बिल्डिंग्स होंगी, ड्राई रन्स वगैरह होंगे, ये सारी चीजें अपन लर्न करें, ओके। सो आज के लिए इतना ही, ओके परफेक्ट, सेव किया मैंने, चलिए मिलते हैं अपन कल, ठीक है, थैंक यू।